स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और इंटरनेशनल लॉ। सो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। द ग्रोइंग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट हैज़ ब्रॉट अनदर इशू इनटू फोकस, क्योंकि जैसे ही हमारे जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट हैं वो बढ़ते गए, वैसे जो उससे रिलेटेड जो इशूज़ हैं वो भी आगे बढ़ते गए। इन द 21st सेंचुरी scholars argue that human rights violation can be ground for invasion of a country. और जो 21st सेंचुरी के scholars थे वो कहने लगे कि जो human rights के लिए अगर कोई जो है उन्हें violate करता है तो वो वैसे ही होगा कि अगर कोई दूसरे की country में गया हो। This invasion of a country is referred to as humanitarian intervention. और इससे ही humanitarian intervention जो है कहा जाता है। What this simply means is that external actors can interfere in the domestic affairs of a country on the ground of human rights violation. और वो कहते हैं कि अगर कोई external actors, बाहरी actors जो हैं interfere करते हैं हमारे domestic affairs में, तो इसे जो है human right violation या फिर humanitarian intervention के नाम से जाना जाता है। This concept sounds good but has problems of its own. ये अच्छा है लेकिन इसके कुछ अपनी मुश्किलें भी हैं। Protecting human rights become the responsibility of powerful states which do not always intervene for humanitarian reasons. और जो human rights की protection के लिए states हैं, जो powerful states हैं, उनकी ये responsibility होनी चाहिए कि वो ह्यूमैनिटेरियन रीजन से किसी भी जो है स्टेट या किसी भी व्यक्ति के जो है हस्तक्षेप या इंटरवीन ना करें, उनके राइट्स में जो है इंटरवीन ना करें। इट वॉयलेट्स आर्टिकल 2(4) ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, और ये जो है आर्टिकल 2 जो है उसे वॉयलेट करता है। सो ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। द ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज मेनली ड्यू टू द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स and the fact that no state can exist in isolation. अब हमें पता है कि जो states हैं उनके कुछ अपने rules regulations होते हैं, उनका अपना एक conduct होता है जो वो orderly जो हैं follow करते हैं international relations में भी। तो इसी तरीके से जो कुछ states हैं वो एक दूसरे पर depend भी करती हैं, so interdependence वहाँ पर हो जाती है, क्योंकि एक जो state है वो कभी भी isolate मतलब कि अकेली नहीं रह सकती। लाइक नेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो हैज़ अ लीगल बेसिस। जैसे जो नेशनल लॉज होते हैं उनका भी जो है लीगल बेस होता है, वैसे ही जो इंटरनेशनल लॉ है उनका भी लीगल बेस होता है। द बिहेवियर ऑफ द नेशंस इज गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। एक जो नेशन है उनके बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये सब जो है इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में थ्री क्लासिफिकेशन जो है वो की गई है। नंबर वन इज द लॉ ऑफ पीस। द लॉ ऑफ पीस कंप्राइजेज ऑफ लॉ गवर्निंग द रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉ गवर्निंग इंटरनेशनल एंड जुडिशियल सेटलमेंट, लॉ गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो शांति के लिए जो उनके रिलेशंस हैं वो स्टेट्स के बीच में हैं, जैसे कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हो गए या इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए या फिर जुडिशियली सेटलमेंट करनी हो किसी भी इंटरनेशनल टॉपिक की, या फिर लॉ गवर्निंग द स्ट्रक्चर, लॉ मेकिंग जो करते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो भी किसके अंडर आता है द लॉ ऑफ पीस के। सेकंड इज लॉ ऑफ वॉर। युद्ध के भी जो लॉज हैं वो बताए गए हैं।
Generally focus on the treatment of enemy, national their proper and the use of military power in conflict. और वो कहते हैं कि एनिमी को भी जो है अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तभी मिलिट्री पावर जो है वो यूज़ करनी चाहिए. एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन एज पर जनेवा कन्वेंशन. और इसमें उन्होंने करंट मुद्दा लिया था, जो एग्जाम्पल दिए कि विंग कमांडर जैसे अभिनंदन जी हैं वो कैसे लाए गए थे जनेवा कन्वेंशन के अंडर. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ न्यूट्रैलिटी. लॉ ऑफ न्यूट्रैलिटी अप्लाई स्टेट्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन वॉर ड्यूरिंग ए स्टेट ऑफ वॉर. जैसे नेहरू जी थे उन्होंने भी जो है न्यूट्रैलिटी अपनाई थी. सबसे पहले जो हमारे इंडिया में है न्यूट्रैलिटी नेहरू जी ने अपनाई थी जो कि आज तक भी चल रही है. तो वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, न्यूट्रल रहना. जैसे कि दो स्टेट में झगड़ा अगर चल रहा है तो हम न्यूट्रल रहते हैं, जो हमारी स्टेट है इंडिया है वो न्यूट्रल रहती है, मतलब कि लड़ाई झगड़े से जितनी देर हो सके दूर रहती है. सो अगर वॉर भी हो तो वो कहते हैं कि न्यूट्रलिटी जो है अपनानी चाहिए. उन्होंने तब ये भी यूज़ किया था, नो यूज़ फर्स्ट. द फंडामेंटल फीचर ऑफ दिस लॉ इज़ कीप वॉर बिटवीन एज लेस नेशंस एज पॉसिबल. और कम से कम जो है ये अप्लाई होना चाहिए, मतलब कि कम से कम जो है कॉन्फ्लिक्ट में ये न्यूट्रल ही रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. कम से कम जो है ये वॉर की सिचुएशन अगर हो तो हम कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ हमारे बचाव के लिए. सपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिक्वायर्स नो सर्विगेंस. इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ बिटवीन स्टेट्स सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी ओवर आर्किंग अथॉरिटी. जो इंटरनेशनल लॉ है इसका कोई भी सर्विगन जो है वो रूल्स रेगुलेशन के लिए एक सर्विगनिटी नहीं है. इन्फोर्सेबल बाय पब्लिक ओपिनियन. इंटरनेशनल लॉ इज़ बैक्ड बाय इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, मोरालिटी, यूटिलिटी एंड कॉमन कंसेंट ऑफ स्टेट. ये जो है लोगों की मतों के अकॉर्डिंग, पब्लिक ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, और जो मोरालिटी है या यूटिलिटी है या फिर ज़्यादा स्टेट्स का जो कंसेंट है, उनके जो व्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है. सो अगर कोई चीज़ है तो उसकी क्रिटिक्स भी होते हैं, उनके ऑपोजिट भी होते हैं. तो इंटरनेशनल लॉ की भी जो है ऑपोजिशन है, क्रिटिक्स हैं. लेक्स अथॉरिटी सेंस इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट ऑर्डर्ड बाय एनी पॉलिटिकल सर्विगन. किसी भी एक सर्विगन के ना होने के कारण जो है ये कई बार एप्लीकेबल नहीं हो पाता. सो इट डजंट हैव द सेम अथॉरिटी एज डोमेस्टिक लॉज. जैसे हमारे लीगल एक कंट्री के जो हैं लीगल लॉज होते हैं, वैसे डोमेस्टिक लॉज जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के नहीं हैं. कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड. सो कई बार ये जो हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, लागू नहीं हो पाते. देयर इज़ नो अथॉरिटी विच कैन इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल लॉ. और इन लॉज को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक अथॉरिटी भी नहीं है, दैट मीन्स एक सॉविगनिटी भी नहीं है. फ्रिक्वेंटली वायलेटेड. Nations try to achieve their national interest and whenever international law becomes a hindrance, nation violate it. जो nation है वो हमेशा ही अपने national जो उनके interest हैं, उनके जो हित हैं, उनको पूरे करने में जो है वो achieve करने में लगा रहता है. तो कई बार ऐसा होता है कि international law जो है वो violate हो जाता है.